चलिए, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, है ना। तो आज हम शुरू कर रहे हैं क्लास 11th का चैप्टर नंबर 2, दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ये चैप्टर करने के बाद फिर हम चैप्टर नंबर 1 पढ़ेंगे, उधर जो बेसिक्स न्यूमेरिकल वगैरह देखेंगे, पहले इसको पढ़ लेते हैं, है ना। थोड़ी सी चीजें हमारी 9th में स्ट्रक्चर ऑफ एटम के नाम से हमने चैप्टर पढ़ रखा है, तो कुछ जो बेसिक्स हैं वो हमको थोड़े से क्लियर हो जाएंगे। बाकी हम पूरा चैप्टर देखेंगे कि इसमें क्या क्या चीजें हैं और क्या क्या हमको पढ़ना है, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ एटम में इसका जो पहला टॉपिक है जो हमको पढ़ना है, दैट इज कैथोड रे एक्सपेरिमेंट, जिसको हम डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट बोल रहे हैं। ये वो एक्सपेरिमेंट है जिससे डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ, है ना। हम क्या बोल रहे हैं, इससे क्या मिला अपने को, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो सबसे पहला जो टॉपिक है, दैट इज डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसके लिए जो एक्सपेरिमेंट किया गया, दैट इज डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट या फिर कैथोड रे एक्सपेरिमेंट, है ना। अब यहां तक पहुंचने से पहले जैसे जैसे केमिस्ट्री की शुरुआत हुई, लोगों ने पढ़ना शुरू किया, अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग थ्योरीज दी, अलग अलग प्रैक्टिकल्स करे, तो उनके बेसिस पर जो चीज निकल कर आई वो कुछ ऐसी थी। 3 पॉइंट थे बेसिक्स, वो मैंने यहां लिख दिए हैं। फर्स्ट पॉइंट में है क्या कि इन 1830 माइकल फैराडे गेव द फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्लू अबाउट द इलेक्ट्रिकल नेचर ऑफ मैटर। मैटर के अंदर इलेक्ट्रिकल नेचर होता है, ये बात हमको माइकल फैराडे ने बताई 1830 में। क्लियर है चीज। उसके बाद अब वो कैसे बताई, उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक सोल्यूशन लिया इलेक्ट्रोलाइट का, जैसे नमक NaCl है या कोई दूसरा इलेक्ट्रोलाइट है, कॉपर सल्फेट है, सिल्वर नाइट्रेट है, तो ऐसा एक इलेक्ट्रोलाइट लिया, उसका सोल्यूशन बना लिया। उस सोल्यूशन में उसने 2 रॉड लगाई, कैथोड और एनोड, और करंट पास किया, और करंट पास करने पर ये देखा कि सोल्यूशन में से कुछ चीज निकल रही है और वो जाकर रॉड के ऊपर डिपॉजिट हो रही है, ठीक है। और इस पूरे एक्सपेरिमेंट से उसने कुछ लॉज बनाए, इस पूरी प्रोसेस को उसने इलेक्ट्रोलिसिस बोल दिया, और जो लॉज बने उसको बोल दिया लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। He formulated certain laws known as Faraday law of electrolysis. ये बहुत डिटेल में हमको 12th क्लास में आता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर के अंदर, तो ज्यादा अभी सोचने की जरूरत नहीं है। अभी सिर्फ हम ये बोल रहे हैं कि सबसे पहली बार मैटर के अंदर इलेक्ट्रिकल नेचर होता है, ये बात माइकल फैराडे ने 1830 में बताई, और जो भी एक्सपेरिमेंट्स उसने किए उसके बिहाफ पर उसने कुछ लॉज बनाए और नाम दे दिया फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक है। इसके बाद बहुत सारे साइंटिस्ट आए, उन्होंने अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स, अलग अलग थ्योरीज देना शुरू किया। उसमें एक थे स्टोनी, STONEY, जिन्होंने ये बोला कि जैसे मैटर जो है ना, वो छोटे छोटे पार्टिकल से बना हुआ है, वैसे ही इलेक्ट्रिसिटी जो है वो भी छोटी छोटी यूनिट से बनी हुई है। उन यूनिट्स को हम डिस्क्रीट यूनिट्स बोलते हैं, जिसको स्टोनी ने नाम दे दिया क्या, इलेक्ट्रॉन्स। तो कैथोड रे एक्सपेरिमेंट में डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन तो हो गया, इलेक्ट्रॉन होते हैं ये एक्चुअली प्रूव हो गया, लेकिन वो नाम स्टोनी ने पहले ही दे दिया था। क्लियर है चीज, समझ में आ गई। जैसे मैटर जो है वो छोटे छोटे पार्टिकल से बना हुआ है, हमने पढ़ा छोटी क्लासेस में, वैसे ही इलेक्ट्रिसिटी जो है वो भी छोटी छोटी डिस्क्रीट यूनिट से बनी हुई है। दीज यूनिट्स वर टर्म्ड एज इलेक्ट्रॉन्स बाय स्टोनी। क्लियर है। तो ये 3 बेसिक से हमने पॉइंट देखे कि पहली बार मैटर में इलेक्ट्रिकल नेचर होता है, ये बात फैराडे ने बोली, उसने कुछ लॉज बनाए, उन लॉज को बोल दिया फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, और इलेक्ट्रॉन वर्ड जो था वो दिया स्टोनी ने, और ये बोला कि इलेक्ट्रिसिटी के अंदर छोटे छोटे डिस्क्रीट पार्ट्स, छोटे छोटे डिस्क्रीट यूनिट्स होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, उनको नाम दिया इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अब बात करते हैं कैथोड रे एक्सपेरिमेंट की या डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट की। ये काम किया गया बाय जे.जे. थॉमसन, ना? तो जो डिस्कवरर है किसका, इलेक्ट्रॉन का, इलेक्ट्रॉन को किसने डिस्कवर किया, वो जे.जे. थॉमसन है, स्टोनी नहीं। स्टोनी ने तो सिर्फ वर्ड दे दिया था कि ये जो स्मॉल यूनिट्स होती हैं इनको नाम दे रहे हैं अपन क्या, इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन जो एक्चुअली डिस्कवर किया गया वो किसने किया, बाय जे.जे. थॉमसन। क्लियर है चीज, है ना। अब इससे रिलेटेड कुछ डायग्राम्स है, तो वो डायग्राम्स में पहले यहां बना लेता हूं, जब तक आप ये चीजें नोट कर लीजिए, ठीक है। चलिए, है ना, तो ये हो गए हमारे डायग्राम्स। अब ये जो कैथोड रे एक्सपेरिमेंट था जो जे.जे. थॉमसन ने किया, इसमें क्या था, ठीक है, उसने क्या किया, एक ऐसी ग्लास की ट्यूब ली, इस ट्यूब को नाम दिया डिस्चार्ज ट्यूब, विच इज ऑल्सो नोन एज क्रुक्स ट्यूब, ठीक है। जिसने इसको बनाया था क्रुक्स साइंटिस्ट, उसके नाम पर है।
तो ऐसे ग्लास की पूरी ट्यूब है ना, यहां से पूरी ऐसी, यहां से एक ओपनिंग है, यहां पर एक वॉल लगा हुआ है, ये वैक्यूम क्रिएट करने के लिए है या फिर इसमें से गैस को खींच के और प्रेशर को रिड्यूस करने के लिए, ठीक है। तो इस ग्लास की ट्यूब को बोल दिया क्रूक्स ट्यूब या डिस्चार्ज ट्यूब, ठीक। एक तरफ एक रॉड लगाई, मेटल की प्लेट लगाई, दैट इज कैथोड व्हिच इज एक्टिंग एज नेगेटिव, एक तरफ मेटल की प्लेट लगाई व्हिच इज एनोड एक्टिंग एज पॉजिटिव, और इसको एक करंट के सोर्स से कनेक्ट कर दिया, नेगेटिव को कनेक्ट कर दिया नेगेटिव टर्मिनल से, पॉजिटिव को कनेक्ट कर दिया पॉजिटिव टर्मिनल से, है ना। तो ये प्रोसेस था, ठीक है। और जिस भी गैस के लिए हमको देखना था, जिस भी गैस को अंडर स्टडी रखना था, वो गैस यहां ले ली गई अंदर, ठीक है। तो पर्टिकुलर गैस यहां पर ली, ठीक। अब इसमें क्या हुआ, अभी जो तीन मैंने अलग अलग डायग्राम बनाए, 1, 2, 3, पहले हम फर्स्ट की बात करते हैं क्या है। इसमें हम ये बोल रहे हैं कि जे.जे. थॉमसन ने गैस लिया, इस गैस को नॉर्मल प्रेशर पर रखा, नॉर्मल टेम्परेचर पर रखा, और यहां से हाई वोल्टेज ऑफ करंट पास किया, से अबाउट 10,000 वोल्ट, 5,000 से 10,000 वोल्ट का करंट यहां से पास किया। और जब उसने पास किया तो देखा कि इसके अंदर कोई चेंज नहीं है, कुछ भी होता हुआ नहीं दिखा, देयर इज नो चेंज इन द डिस्चार्ज ट्यूब, है ना। ये नॉर्मल प्रेशर पर, नॉर्मल टेम्परेचर पर हाई वोल्टेज सप्लाई करने पर हुआ, हाई वोल्टेज करंट सप्लाई करने पर, ठीक है। इसी प्रोसेस को उसने आगे बढ़ाया, उसने यहां से गैसेस को एक्सट्रैक्ट करके खींच के इसके प्रेशर को रिड्यूस कर दिया, है ना। ये था एनटीपी पर, नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर, एनटीपी। ये जो प्रोसेस है इसको किया 10^-2 एटीएम प्रेशर पर, प्रेशर को रिड्यूस कर दिया 1 mm से 10 mmHg पर, है ना, 10^-2 एटीएम प्रेशर, और साथ में करंट पास किया 10,000 वोल्ट, ठीक है। तो जैसे ही प्रेशर रिड्यूस करके 10,000 वोल्ट इलेक्ट्रिसिटी या करंट पास किया, तो उसने देखा कि इस पूरी डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर ग्लो आया, मतलब ये चमकने लगी, और ये इसलिए चमक रही बिकॉज इस ग्लास की वॉल से, है ना, ये जो बाहर की वॉल है इससे कुछ ना कोई चीज टकरा रही, कुछ ना कुछ बॉम्बार्डमेंट हो रहा है, टकरा रही, जिसकी वजह से यहां क्या आ रहा है, ग्लो आ रहा है। क्लियर है चीज, ठीक है। इन्हीं ग्लो को उसने रेस के फॉर्म में देखा कि कोई चीज कैथोड से एनोड की तरफ ऐसी मूव करके जा रही है, ग्लो आ रहा है, और उन रेस को नाम दे दिया क्या, कैथोड रेस। क्लियर है चीज, है ना। जब नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर पर बात की, गैस रखी और 10,000 वोल्ट करंट सप्लाई दिया, तो कोई चेंज नहीं, कोई रिएक्शन यहां पर नहीं हो रही, कोई ग्लो नहीं आ रहा। लेकिन जैसे ही प्रेशर को रिड्यूस किया 10^-2 एटीएम पर और 10,000 वोल्ट करंट पास किया, तो उसने देखा कि डिस्चार्ज ट्यूब में ग्लो आया, रेस के फॉर्म में चीजें हैं, और उसको नाम दे दिया क्या, कैथोड रेस। कैथोड रे नाम इसलिए दे रहे हैं बिकॉज दीज रेज आर मूविंग फ्रॉम कैथोड टुवर्ड्स एनोड, है ना। ये कैसे पता चला कि इधर से उधर मूव कर रही है, वो अभी हम आके देखते हैं, ठीक है। अभी तो यहां एक ग्लो मिला, जो रेस निकल रही थी, दीज आर कैथोड रेस। अब उसने क्या किया, उसने यहां जो एनोड ली है, इस एनोड को परफोरेटेड कर दिया। परफोरेटेड मतलब इसके बीच में छोटे छोटे होल्स कर दिए, छोटे छोटे छेद कर दिए, ताकि चीजें आर पार जाए, ठीक है। और उसने प्रेशर को 10^ से और रिड्यूस करके 10^4 एटीएम कर दिया विद द सेम अमाउंट ऑफ वोल्टेज, 10,000 वोल्ट। क्लियर है चीज। तो इस 10^-4 एटीएम पर जब पहुंचे और इतना करंट सप्लाई दिया है ना, यहां पर भी ऐसा ही कनेक्टेड है, कनेक्टेड है, और जब करंट का सप्लाई दिया, तो उसने क्या देखा कि जो ये डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर ग्लो आ रहा था, ये तो खत्म हो गया, लेकिन इसको परफोरेटेड करने की वजह से एक हल्का सा ग्रीनिश ग्लो यहां पर आ रहा है ना, हल्का सा। अभी ये ZNS और इस ग्रीनिश ग्लो को छोड़ दें, यहां पर एक हल्का सा फेंट बिल्कुल ग्रीन कलर का ग्लो आ रहा है, वो तब आएगा जब कोई चीज ऐसी आई होगी और यहां टकराई होगी। इसीलिए ये बोल दिया गया कि ये जो कैथोड रेज है, ये कैथोड से एनोड की तरफ जा रही है। क्लियर है चीज, समझ में आ गई, है ना। तो 10^4 एटीएम प्रेशर पे, -4 एटीएम प्रेशर पे 10,000 वोल्ट करंट देने पर उसने देखा कि परफोरेटेड एनोड यूज करने पर यहां साइड में एनोड के पीछे यहां पर हल्का सा ग्रीनिश ग्लो मिला। अब उसने क्या किया, इसी एक्सपेरिमेंट में इसने इस एनोड के अंदर एक बड़ा सा होल कर दिया,
ताकि ज्यादा से ज्यादा रेज जो हो इसके अंदर से जाए। और इस बाहर वाले एरिए पर इसने एक ऐसा मटेरियल कोट किया जिसके ऊपर अगर लाइट आती है, एनर्जी आती है, तो वो ग्लो करता है, वो चमकता है। ऐसे मटेरियल को हम बोलते हैं फ्लोरोसेंट मटेरियल। तो यहां जो फ्लोरोसेंट मटेरियल लिया दैट इज ZnS, और जिंक सल्फाइड फ्लोरोसेंट मटेरियल जब यहां लगाया और यहां पर एनोड में होल करा तो देखा कि जब यहां से रेज गई होंगी 10^4 पे तो यहां पर एक ब्राइट ग्रीन कलर का ग्लो आया, एक ग्रीनिश ग्लो आया। क्लियर चीज, ये ग्रीनिश ग्लो यहीं आएगा, ये ग्रीनिश ग्लो यहां नहीं है बीच में, है ना, डिस्चार्ज ट्यूब में। ये पूरी जो डिस्चार्ज ट्यूब आपने ली इसके अंदर क्या ग्लो आएगा दैट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ गैस कि हमने क्या गैस ली है। क्लियर है चीज। लेकिन यहां पर जो हमने ZnS लगाया दैट इज फ्लोरोसेंट मटेरियल और उससे जब टकराई कैथोड रेज तो ग्लो क्या मिला, ग्रीनिश ग्लो। तो ये चीज क्लियर हो गई कि कैथोड रेज जो है वो कैथोड से एनोड की तरफ जा रही है और उस तरफ ग्लो मिल रहा है। ठीक है, अच्छा अगर हम इसको परफोरेटेड कर दें तो क्या होगा, तो अभी उसकी बात नहीं करते, वो आगे देखेंगे, है ना। अभी तो हम सिर्फ ये बोल रहे हैं कि कुछ ऐसी रेज डिस्कवर्ड हुई जो कैथोड से एनोड की तरफ ऐसी गई और क्योंकि एनोड में होल था तो क्रॉस कर जब यहां टकराई फ्लोरोसेंट मटेरियल पे तो हमको ग्रीनिश ग्लो मिला। ये एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट हुआ कि जे.जे. थॉमसन ने क्या करना चाहा। ठीक है, एक डिस्चार्ज ट्यूब लिया, उसमें वो गैस ली जो अंडर स्टडी है, नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पे कैथोड और एनोड लगाकर 10,000 वोल्टेज करंट दिया, नो रिएक्शन, नो चेंज। फिर उसने उसी डिस्चार्ज ट्यूब में वैक्यूम क्रिएट करके गैसेस को पीछे खींच के बाहर खींच के कम करके 10^-2 ATM प्रेशर जनरेट किया, सेम अमाउंट ऑफ करंट पास किया तो देखा कि पूरे डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर ग्लो आया एंड दैट ग्लो कैन बी ऑफ एनी कलर विच डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ गैस। ठीक है, है ना। उसके बाद उसने क्या किया कि प्रेशर को और रिड्यूस किया 10^4। तो उसने जब प्रेशर को 10^4 रिड्यूस किया तो देखा कि ग्लो गायब हो गया। ठीक है, फिर उसने इस रॉड को परफोरेटेड कर दिया, छोटे छोटे होल्स किए तो देखा कि साइड में एक बिल्कुल हल्का सा ग्रीन कलर का ग्लो आया, ग्रीनिश ग्लो आया। उसको देखने के लिए इसने इसमें बड़े होल कर दिए और बाहर से एक ऐसा मटेरियल कोट किया जिसके ऊपर एनर्जी आएगी तो ग्लो करेगा ग्रीनिश कलर में। ठीक है, तो जब इसमें होल किया और कैथोड रे से गई और टकराई तो ZnS से टकराने के बाद क्या मिला, उधर ग्रीनिश ग्लो मिला, जिससे कंफर्म हो गया कि कैथोड रेज आर ट्रैवलिंग फ्रॉम कैथोड टू एनोड। क्लियर है चीज, है ना। अब यहां से एक चीज और डिटरमाइन करते हैं अपन कि क्योंकि कैथोड यहां क्या है, नेगेटिव, बिकॉज़ नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है एंड द रेज आर ट्रैवलिंग फ्रॉम कैथोड टुवर्ड्स एनोड व्हिच इज पॉजिटिव। एनोड क्या है, पॉजिटिव है। तो अगर कोई चीज नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रही है, अट्रैक्ट हो रही है, तो जाने वाली चीज भी क्या होगी, नेगेटिव होगी, क्योंकि अगर पॉजिटिव होती तो पॉजिटिव पर जाती नहीं, रिपेल हो जाती। ठीक है, इसीलिए यहां से ये डिटरमाइन कर दिया गया कि कैथोड रेज जो होती है दे आर नेगेटिवली चार्ज्ड, इनके ऊपर कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज। क्लियर है चीज, है ना। तो आप ये डायग्राम तीनों बना ले। इसके बाद हम देखते हैं कि इसके अलावा थॉमसन ने इस एक्सपेरिमेंट में और क्या क्या चेंजेस किए जिसकी वजह से इस कैथोड रे की प्रॉपर्टीज आ गई, है ना। अभी हमने यहां ये नहीं बोला है कि ये जो कैथोड रेज है इसमें कहीं इलेक्ट्रॉन की बात अभी हमने की हो, अभी हमने सिर्फ एक्सपेरिमेंट की बात की। यहाँ पर नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पे कोई चेंज नहीं, रिड्यूस प्रेशर पे ग्लो मिला और रिड्यूस प्रेशर पे डिस्चार्ज ट्यूब में से ग्लो गायब है, लास्ट में मिल रहा है, फिर फ्लोरोसेंट मटेरियल पे ग्रीनिश कलर आ रहा है। क्लियर है, तो बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अब डायग्राम बनाए फिर हम आगे चलते हैं। चलिए, है ना, तो ये हो गया प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज, मैंने सारी एक साथ लिख दी है, आप लिख सकते हैं, उसके बाद मैं आपको समझाते रहता हूं साथ में। तो अगर हम नेचर ऑफ कैथोड रेज या प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज की बात करें, ये तो हमने देख लिया कैथोड रे क्या है, तो इसकी जो पहली प्रॉपर्टी है वो है कैथोड रेज ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। कैथोड रे जो होती है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है ना। इसको समझे कैसे, ये था हमारे पास एक डिस्चार्ज ट्यूब, है ना, ऐसा, ठीक है, ऐसा डिस्चार्ज ट्यूब था, बाकी मैं नहीं बना रहा हूं, सिर्फ इतना याद रखें अपन। ठीक है, करंट से कनेक्ट करने का भी मैं नहीं बना रहा हूं, वो सारे डायग्राम, ठीक है, जैसे जैसे मैं पॉइंट पढ़ रहा हूं सारे डायग्राम आपको स्क्रीन पे यहां पर देखते जाएंगे, तो आप साथ में देखते हैं। तो ऐसा हमारे पास एक डिस्चार्ज ट्यूब है और हम क्या बोल रहे हैं,
कि जब हमने इसमें हाई वोल्टेज ऑफ करंट पास किया रिड्यूस प्रेशर पे 10 टू द पावर ऑफ -2 पर, तो हमको दिखा कि कुछ चीजें ऐसी कैथोड से निकल के कहां जा रही है, एनोड की तरफ जा रही है ना, ऐसी कैथोड से एनोड की तरफ जा रही है और हमारे पूरे ग्लास ट्यूब के अंदर क्या आ रहा है, ग्लो आ रहा है। ठीक है, अब कैथोड रे स्ट्रेट लाइन में ही ट्रेवल करती है। इसको समझाने के लिए थॉमसन ने क्या किया, उसने यहां पर कैथोड रे का जो रास्ता था उस रास्ते में यहां पर एक ऐसा ऑब्जेक्ट रख दिया, मान लो ऐसा एक ऑब्जेक्ट रख दिया सपोज, है ना, एक ऐसा ऑब्जेक्ट रख दिया। तो उसने क्या देखा कि जो कैथोड रे थी जब वो आई और इस ऑब्जेक्ट से टकराई तो यहां पर परफोरेटेड करने पर कोई ग्लो नहीं आ रहा है, दैट मींस कैथोड रे जो है वो इस ऑब्जेक्ट के पार नहीं गई, है ना। अगर ऐसा होता कि ये डिस्चार्ज ट्यूब है, कैथोड रे ऐसे आ रही है, मैं बीच में ऑब्जेक्ट हूं और वो मेरे पास आई और मेरे ऊपर से ऐसी निकल गई, तो यहां पर मुझे क्या देता, ग्लो देता। लेकिन अभी क्या है कि कैथोड रे ऐसी आई और इस ऑब्जेक्ट से ऐसी टकरा गई और रुक गई और इस तरफ, है ना, यहां पर उसकी क्या बन गई, एक शैडो, है ना, ऐसी एक शैडो आ गई। ठीक है, तो क्योंकि यहां पर एक ऑब्जेक्ट रखा था जिसने कैथोड रे के पाथ को क्या कर दिया, बंद कर दिया, इसलिए इस ऑब्जेक्ट की यहां शैडो आई और इससे डिटरमाइन हो गया कि कैथोड रे जो है वो ट्रेवल करती है किसमें, स्ट्रेट लाइन में। ठीक है, ये सब डायग्राम से आपको समझ में आते जाएगा। उसके बाद हम बोल रहे हैं कि दीज रेज देमसेल्व्स आर नॉट विजिबल, ये रेज विजिबल नहीं है, बट देयर बिहेवियर कैन बी ऑब्जर्व्ड विद द हेल्प ऑफ सर्टेन काइंड ऑफ मटेरियल्स, दीज मटेरियल्स आर कॉल्ड फ्लोरोसेंट मटेरियल। जो हमने यहां देखा है ना कि ये रेज जो है ये अपने आप विजिबल नहीं है, इनको हम ऐसे नहीं देख सकते, लेकिन अगर हम कोई मटेरियल ऐसा रखते हैं जो चमक सकता है, जो फ्लोरोसेंट दिखा सकता है, तो वहां हम इसका बिहेवियर देख सकते हैं, सिंपल सा पॉइंट है। थर्ड है कैथोड रे प्रोड्यूसेस मैकेनिकल इफेक्ट। ठीक है, मैकेनिकल मतलब क्या, मोशन। अच्छा, ये पॉइंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, कैथोड रे प्रोड्यूसेस मैकेनिकल इफेक्ट, बिकॉज यहीं से डिटरमाइन हुआ कि कैथोड रेज में इलेक्ट्रॉन्स हैं, मटेरियल पार्टिकल्स हैं जिनका अपना मास है और वहां से इलेक्ट्रॉन्स हमको मिले। तो ये पॉइंट था जो हमको ये बताता है कि कैथोड रे इज मेड अप ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कैसे, तो इसको अपन समझे ना, ये कुछ ऐसा है, ये हमारी डिस्चार्ज ट्यूब थी, यहां पर हमारे पास कैथोड था, यहां पर हमारे पास एनोड है, यहां से कुछ रेज क्या हो रही है, ऐसी निकल रही है इस तरीके से। ठीक है, तो थॉमसन ने क्या किया, यहां पर ऐसा एक व्हील लगा दिया। ठीक है, एक ऐसा व्हील जो फ्री है, जो आसानी से क्या कर सकता है, रोटेट कर सकता है जब उस पर कोई चीज टकराए। तो जब कैथोड रे आई और इस व्हील से टकराई, टकराती हुई निकली, तो यहां पर क्या मिला अपने को, ऐसा मोशन, व्हील जो है वो रोटेट करने लगा। ठीक है, अब अगर मान लो मेरे पास ऐसा व्हील है, फ्री व्हील है, जिस पर अगर कोई भी चीज टकराती है, हल्का सा भी जिसमें मास हो और वो घूमने लगेगा, ठीक है, वो व्हील पे मैंने टॉर्च लेकर लाइट मारी, तो क्या वो घूमेगा, नहीं घूमेगा, बिकॉज लाइट जो है उसके अंदर मास नहीं है। लेकिन यहां पर जब कैथोड रे गई और व्हील से टकराई, तो व्हील क्या हो गया, घूमने लगा। दैट मींस कि कैथोड रे में कुछ तो ऐसा है जिसका अपना खुद का मास है, जो थोड़ा हैवी है, और वो हैवी चीज जब टकराएगी तो क्या हो रहा है, वो घूम रहा है ना। वो जो मेरे पास व्हील रखा हुआ है उसको अगर मुझे घुमाना है, तो मुझे कुछ ऐसा उसके ऊपर मारना पड़ेगा जिसमें अपना क्या हो, वजन हो, वेट हो, क्योंकि जब वो टकराएगा तभी घूमेगा। तो यहां से ये बोल दिया गया कि ये जो कैथोड रेज है, कैथोड रेज कंटेन मटीरियल पार्टिकल, इसमें क्या है, मटीरियल पार्टिकल विच हैज इट्स ओन मास, इसका अपना खुद का क्या है, मास। दिस मास इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग दिस मैकेनिकल इफेक्ट। क्लियर है थर्ड पॉइंट कि कैथोड रेज जो है वो क्या प्रोड्यूस कर सकती है, मैकेनिकल इफेक्ट। उसके बाद है कैथोड रेज शो डिफ्लेक्शन इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। अगर इन कैथोड रेज को मैं इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड में रखता हूं तो डिफ्लेक्शन दिखाती है। इसको कैसे समझे, इसको ऐसे समझे, ये मेरा डिस्चार्ज ट्यूब है, ठीक है, यहां पर कैथोड है, यहां पर एनोड हो गई और ऐसे मेरी कैथोड रेज ऐसे जा रही है ना। ठीक है,
अब मैंने क्या किया कि यहां पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी, ठीक है, ऐसे एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर दी, एक तरफ पॉजिटिव एक तरफ नेगेटिव। अब जैसे ही मैंने ये इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई तो मैंने देखा कि ये जो कैथोड रेज जा रही थी ये कैसी थी, नेगेटिव चार्ज, है ना। तो जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई ये डिफ्लेक्शन शो करने लगेगी। अब ये स्ट्रेट ना जाते हुए ये क्या करेगी, ये कुछ ऐसी मूव कर गई टुवर्ड्स व्हाट, टुवर्ड्स पॉजिटिव चार्ज। ये हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड का डिफ्लेक्शन, क्लियर है चीज। इसी तरीके से अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड हटाकर यहां एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर देता हूं, है ना, सपोज मैंने यहां नॉर्थ यहां पर साउथ पोल लगा दिया, तो मैंने देखा कि अब भी मेरी कैथोड रे जो है वो इस तरीके से नॉर्थ की टुवर्ड्स डिफ्लेक्शन शो करने लगी। क्लियर है चीज। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस के कारण हमारी जो कैथोड रे सीधी जा रही थी उसमें डिफ्लेक्शन होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो टुवर्ड्स पॉजिटिव बिकॉज कैथोड रेज आर नेगेटिव, और मैग्नेटिक फील्ड की बात करें तो टुवर्ड्स नॉर्थ पोल डिफ्लेक्शन होगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कैथोड रेज ऑन स्ट्राइकिंग टू थिन मेटल फॉइल कॉजेस हीटिंग इफेक्ट, है ना। जैसे अगर मैं इसको यहां से हटा दूं और यहां पर क्या कर दूं, एक ऐसी मेटल की फॉइल लगा दूं, पतली मेटल की फॉइल लगा दूं, तो कैथोड रे जब इस मेटल फॉइल से टकराएगी तो टकराकर इस फॉइल पर हीटिंग इफेक्ट डालती है, ये फॉइल जो है ये गर्म होने लगेगा, ये हीटिंग इफेक्ट हुआ। साथ में अगर ये पतली है, बहुत पतली फॉइल है, तो ये कैथोड रे आसानी से इस फॉइल को पेनिट्रेट कर सकती है, वो हमने यहां लिखा है कैथोड रेज कैन पेनिट्रेट थ्रू थिन वेरी थिन मेटल शीट्स। क्लियर है चीज, है ना, समझ में आ गया कि अगर थिन मेटल फॉइल लगा रहे हैं तो पास भी हो जाती है और हीटिंग इफेक्ट कॉज करती है। उसके बाद है कैथोड रे प्रोड्यूसेस एक्सरेज व्हेन दे स्ट्राइक अगेंस्ट हार्ड मेटल लाइक टंगस्टन कॉपर एक्सेट्रा। अगर यहीं पर मैं कोई ऐसा मेटल लगा दूं जो हार्ड, जैसे कॉपर लगा दिया, टंगस्टन लगा दिया, तो इन मेटल से टकराने के बाद जो कैथोड रे होती है दे कन्वर्ट इनटू एक्सरेज, दे कैन प्रोड्यूस एक्सरेज। फिर है कैथोड रेज ऑन स्ट्राइकिंग टू ग्लास एंड अदर मटेरियल कॉजेस देम टू ग्लो। जैसे हमने देखा था कि डिस्चार्ज ट्यूब में जब कैथोड रे निकली थी तो इसकी वॉल से टकरा रही थी और टकराने की वजह से क्या आ रहा था, ग्लो आ रहा था, चमक रहा था। वैसे ही ग्लास या बहुत सारे दूसरे ऐसे मटेरियल्स भी हैं जिसपे अगर कैथोड रे टकराती है तो वो क्या दिखाते हैं, ग्लो दिखाते हैं। ये पेनिट्रेट वाली बात हमने कर ली। लास्ट पॉइंट में लिखा है द रेशियो ऑफ चार्ज टू मास, दैट इज चार्ज बाय मास इज सेम फॉर ऑल दी कैथोड रेज इररिस्पेक्टिव ऑफ द गैस यूज्ड। अगर यहां पर मैं कोई भी गैस बीच में लेता हूं, एनी गैस, कलर डिफरेंट हो सकता है, हमने बोला दैट डिपेंड्स ऑन दी, जो ग्लो आ रहा था दैट डिपेंड्स ऑन दी नेचर ऑफ गैस, लेकिन जो चार्ज मास का रेशियो है, चार्ज कैथोड रे का या मास जो है इलेक्ट्रॉन का चार्ज जो है उसका जो रेशियो है वो सबके लिए क्या आएगा, सेम, कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमने यहां पर कौन सी गैस ली है। चार्ज बाय मास रेशियो विल बी सेम फॉर ईच एंड एवरी कैथोड रेज, ठीक है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द गैस यूज्ड, कौन सी गैस आप यूज कर रहे हो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये कुछ पॉइंट्स हो गए हैं, इन्हीं के साथ में डायग्राम्स भी हैं जो आपको ऐसे स्क्रीन पर दिख रहे हैं, तो आप वो सारी चीजें यहां से नोट कर लें, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट आगे बात करते हैं कि क्या है। चलिए अब नेक्स्ट है चार्ज एंड मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, कैसे डिटरमाइन हुआ कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है और मास कितना है, ठीक है। अब मास डिटरमाइन करने के लिए बिल्कुल एक अलग चीज है और चार्ज डिटरमाइन करने के लिए बिल्कुल एक अलग चीज है ना, और चार्ज और मास का रेशियो बिल्कुल अलग है, तीनों में कोई रिलेशन नहीं है, अभी अपन इसको बिल्कुल अलग अलग देखें, है ना। तो चार्ज डिटरमाइन करने का जो एक्सपेरिमेंट था दैट वॉज डन बाय आर ए मिलिकन इन 1909, मेथड का नाम था ऑयल ड्रॉप मेथड, और इस पूरे मेथड से जो चार्ज निकल कर आया था दैट वाज 1.60 × 10⁻¹⁹ कूलम, सी स्टैंड्स फॉर कूलम एंड कूलम इज द यूनिट फॉर चार्ज, ठीक है, है ना। अभी इसको हम आगे डिटेल में देखेंगे, ठीक। अभी मैंने सिर्फ आपको बता दिया कि चार्ज जो है उसका डिटरमिनेशन एक इंडिविजुअल एक्सपेरिमेंट से किया था, दैट वाज डन बाय आर ए मिलिकन इन 1909, मेथड का नाम था ऑयल ड्रॉप मेथड, और उससे जो चार्ज निकल कर आया दैट इज 1.60 × 10⁻¹⁹ कूलम्स,
ठीक है, मास जो है वो इस चार्ज को और चार्ज मास के रेशियो को यूज करके निकालते हैं। ठीक है, तो अभी हम देखें कि चार्ज मास का रेशियो कैसे निकला। ठीक है, तो इस एक्सपेरिमेंट से बहुत पहले 1897 में जे.जे. थॉमसन ने डिटरमाइन किया था रेशियो किसके बीच में, चार्ज के बीच में और मास के बीच में, किसके, इलेक्ट्रॉन्स के। अभी हम इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, बाकी किसी की बात नहीं कर रहे। ठीक है, वो भी चार्ज किसका, इलेक्ट्रॉन का। यहाँ जो रेशियो है चार्ज मास का, रेशियो मतलब चार्ज बाय मास है ना, चार्ज इज डिनोटेड बाय ई, मास इज डिनोटेड बाय एम। तो जो ई बाय एम की वैल्यू जे.जे. थॉमसन ने 1897 में निकाली कैलकुलेट करके, दैट वाज 1.76 इनटू 10 टू द पावर ऑफ 11 कूलम पर केजी। कूलम क्या हो गया, यूनिट ऑफ चार्ज, केजी इज द यूनिट ऑफ मास, तो कूलम पर केजी। ठीक है, अब इसमें किया क्या, उसने क्या किया, उसने वो जो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन है उसके डिफ्लेक्शन को स्टडी किया। डिफ्लेक्शन मतलब कि मान लो ये ऐसा जा रहा है सीधा, है ना, ऐसा सीधा जा रहा है और अचानक किसी के इन्फ्लुएंस के कारण ऐसा मुड़ जाए, इधर डिफ्लेक्ट हो जाए, इधर डिफ्लेक्ट हो जाए, दैट इज डिफ्लेक्शन। तो उस डिफ्लेक्शन को स्टडी किया था इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को एक साथ लगा के, है ना, साइमल्टेनियस। ये लिखा हुआ है यहां पर, इन 1897 जे.जे. थॉमसन डिटरमाइंड द रेशियो ऑफ चार्ज टू द मास By measuring the deflection under the simultaneous influence of electric and magnetic field applied perpendicular to each other. Clear है चीज? एक इलेक्ट्रॉन लिया, चार्ज पार्टिकल है ना, उसको मूव करवाया इन द इंफ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक, उसको मूव करवाते हुए उसी के साथ उसने इलेक्ट्रिक फील्ड भी लगा दी, साथ में मैग्नेटिक फील्ड भी लगा दी, और ये देखा कि उसके इंफ्लुएंस के कारण वो कितना डिफ्लेक्ट होता है। और इस पूरे प्रोसेस से फिर उसने कैलकुलेशंस की और उससे हमको ये डेटा मिला। तो कैलकुलेशन क्या थी, वो हमारे काम का नहीं है, है ना, कैसे किया था, हालांकि ये ऑयल ड्रॉप मेथड और ये भी हमारे काम का नहीं है, बट हम समझ लें कि एक्चुअली कैसे हुआ होगा। ठीक, तो ये कुछ ऐसा एक अपैरेटस था जो उसने यूज किया फॉर द एक्सपेरिमेंट। ठीक है, ऐसी एक ट्यूब है ग्लास की और फिर वो ऐसी चौड़ी हो गई, यहाँ पर एक सर्कुलर डिस्क लगी हुई है जिसके ऊपर आपको इम्प्रेशन मिलेगा, है ना, इसको आप फ्लोरोसेंट स्क्रीन भी बोल सकते हैं, फ्लोरोसेंट स्क्रीन। ठीक है, तो फ्लोरोसेंट स्क्रीन वो हो गई जिसके ऊपर हमने क्या कर रखा है, कोई मटेरियल कोट कर रखा है। ठीक है, और इसके ऊपर जब कोई चीज आएगी तो आकर आपका इंप्रेशन देगी। अब उसने क्या किया, उसने इस पूरी ऐसे ट्यूब के अंदर यहां पर कैथोड लिया, ठीक है, यहां पर एक एनोड लिया, ठीक, और इस एनोड को ऐसा कर दे, यहां पर एक ऐसी सर्कुलर डिस्क लगा देते हैं। ठीक है, मैं बताते हैं क्या है। तो कैथोड लिया, एनोड लिया, दोनों को कनेक्ट किया हाई वोल्टेज से, और सेम जो कैथोड रे वाला एक्सपेरिमेंट था, जब हाई वोल्टेज करंट सप्लाई किया तो यहां से रेज ऐसी निकली, ये परफोरेटेड होगी ऐसी, है ना, इस तरीके से, तो इसमें से होती हुई जाएगी, और ये सर्कुलर डिस्क इसके लिए लगाई है ताकि ये चीजों को फैलने से रोके, ये सिर्फ उसको पिक करेगी जो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा हो। तो वो जैसे यहां से कोई चीज आई है ऐसी, है ना, ऐसी एक आई है, इधर से ऐसी आई है, तो जो स्ट्रेट लाइन में जा रही होगी वो इसको पिक करेगा और पिक करके फिर ऐसे आगे स्क्रीन पर भेजेगा। ठीक है, तो यहां से ये जो जेट निकल रहा है इलेक्ट्रॉन्स का अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ हाई वोल्टेज ऑफ करंट, वो ऐसा जा रहा है, सर्कुलर डिस्क उसको पिक कर रही है जो स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, और उसको फ्लोरोसेंट स्क्रीन पर ऊपर भेज रही है। ठीक है, अब यहां क्या है, अब यहां पर उसने आगे चलकर एक इलेक्ट्रिक फील्ड, एक तरफ पॉजिटिव एक तरफ नेगेटिव, और मैग्नेट लगा दिया ताकि मैग्नेटिक फील्ड हो। अब इसको लगाने का तरीका क्या है, कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड है ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो, और साथ में जो डायरेक्शन है चार्ज का फ्लो होने का उसके भी परपेंडिकुलर हो। मतलब कि सपोज ये अगर मेरा एक इलेक्ट्रॉन जा रहा है इस रास्ते से, तो यहां मैंने पॉजिटिव लगा दिया इलेक्ट्रिसिटी के लिए, यहां मैंने नेगेटिव लगा दिया, तो ये परपेंडिकुलर हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। ठीक है, साथ में यहां आगे की तरफ मैंने एक मैग्नेट का नॉर्थ और यहां पर एक साउथ, ऐसा होल्ड शू एक मैग्नेट लिया और उसको ऐसा बीच में से ऐसा फंसा दिया, तो ये भी इसके लिए क्या हो गया, परपेंडिकुलर। और इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड भी एक दूसरे को क्या हो गई, परपेंडिकुलर। तो ऐसा कुछ हमने यहां किया। ठीक है, इसका डायग्राम मैं यहां पर स्क्रीन पे आपको शो कर देता हूं। ठीक है, तो ये जब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड लगाई गई तो ये देखा कि इसके प्रेजेंस में ऐसा डिफ्लेक्शन मिला। ठीक है, एबीसी मैंने 3 पॉइंट दे दिए, सीरियल में देना है तो आप सीरियल में भी दे सकते हो,
ए बी सी ऐसे कुछ डिफ्लेक्शंस मिले, ठीक है, कहीं पर यहां मिला, कहीं यहां डिफ्लेक्शन, कोई चीज स्ट्रेट आई, कुछ यहां पर आकर टकरा रही थी, जैसे फ्लोरोसेंट स्क्रीन है, फ्लोरोसेंट स्क्रीन मतलब क्या, कोई चीज टकराएगी तो ग्लो करेगा, तो जब कुछ भी नहीं था, इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड इन्फ्लुएंस नहीं रखा था, तो सारी चीजें बीच में जा रही थी, यहां पर ग्लो दे रही थी, जैसे ही इनको इन्फ्लुएंस में लेकर आए वैसे ही चीजें यहां भी ग्लो दे रही है, बीच बीच में यहां भी ग्लो आ रहे हैं ऊपर, बीच बीच में नीचे भी ग्लो आ रहे हैं, चमक रहा है धीरे धीरे रुक रुक कर, तो लग रहा है कि कोई चीज आकर यहां पर क्या हो रही है, टकरा रही है। तो इस एक्सपेरिमेंट को करने के बाद ये क्लियर हुआ कि जो चार्ज और मास का रेशियो था वो आफ्टर कैलकुलेशन ये निकल कर आया 1.76 × 10⁻¹ कूलम पर केजी। क्लियर है, अब डायग्राम बनाए, इतना लिखें वो लिख लें। इसके बाद हम देखते हैं कि मास कैसे कैलकुलेट हुआ। चलिए अब नेक्स्ट है कैलकुलेशन ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास कैसे निकले, ठीक है। तो अभी दो चीजें हमने निकाल ली, एक हमने निकाल लिया चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ई माइनस से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, विच इज इक्वल टू 9.10 × 10⁻³ कूलम्स, ठीक है, नहीं ये तो मास हो जाएगा, ठीक है, कितना था अपना चार्ज वॉज 1.60 × 10⁻¹ चलिए, है ना। अब नेक्स्ट है हमारा कैलकुलेशन ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, अभी कैसे करना है वो देखें। तो दो चीजें हमने निकाल ली, एक तो हमने निकाल लिया है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, तो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन जो E था दैट इज इक्वल टू 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम्स, ये हमारा चार्ज आया था, ठीक है, 1.6 या 1.60। और दूसरा हमने निकाला चार्ज बाय मास, ये रेशियो, ठीक है, तो ये जो E बाय M का रेशियो है ये आया 1.76 × 10⁻¹ कूलम पर केजी। तो इन दोनों वैल्यूज को यूज करके हम यहां पर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन बी कैलकुलेटेड बाय चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन अपॉन चार्ज बाय मास रेशियो, E अपॉन E बाय M, ठीक है। तो ये हो जाएगा क्या, 1.60 × 10⁻¹⁹ अपॉन 1.76 × 10⁻¹⁹। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 9.10 × 10⁻³ केजी। तो दिस इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये मास कैलकुलेट होकर हमारे पास आया। 10⁻¹ ऊपर चले जाएगा तो -11 हो जाएगा, -19 -11 प्लस करोगे, ठीक है, उसके बाद इसको सॉल्व करोगे तो 9.10 × 10⁻³ केजी, कूलम से कूलम कैंसिल हो गया, इसकी यूनिट कूलम थी, इसकी कूलम थी, कैंसिल, बचा हमारे पास केजी, दैट इज द यूनिट फॉर मास, ठीक है। अब इतना करने के बाद दो चीजें हमारे पास निकल कर आई, पहला कि ये जो मास है 9.10 × 10⁻³ केजी, ये प्रैक्टिकली बहुत छोटा मास है, इतना छोटा है किसको आप प्रैक्टिकल ग्राउंड्स पर यूज नहीं कर सकते, इसीलिए हम इलेक्ट्रॉन के मास को नेग्लिजिबल मान लेते हैं, हम ये मान लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन में मास होता ही नहीं है। इसीलिए आज जो हम केमिस्ट्री पढ़ते हैं उसमें ये बोलते हैं कि जो पूरे एक सिंगल एटम का मास होता है दैट इज द मास ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, ठीक है, उसमें इलेक्ट्रॉन का मास नहीं होता है। अगर इलेक्ट्रॉन निकल भी जाते हैं या एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ भी जाते हैं तो एटम के मास में चेंज नहीं आता है, ठीक है, क्योंकि ये जो मास है ये प्रैक्टिकली बहुत छोटा है और छोटा होने के कारण इसको हम प्रैक्टिकली कैलकुलेशंस वगैरह में यूज नहीं करते हैं, इसलिए नेग्लिजिबल मान लेते हैं, पहली चीज। दूसरा कि इलेक्ट्रॉन जो है वो सबसे छोटा ऐसा नोन पार्टिकल हमारे पास है जिसपे सबसे छोटा चार्ज होता है, इससे छोटा चार्ज नहीं है, है ना, दैट इज 1.60 × 10⁻¹ कूलम, द स्मॉलेस्ट नोन चार्ज That is 1.60 × 10⁻¹⁹ कूलम, ये दो चीज। अब जब इस मास को हाइड्रोजन के मास से कैलकुलेट किया गया या कंपेयर किया गया तो ये देखा गया कि हाइड्रोजन के कंपैरिजन में इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो 1837 टाइम्स क्या है, कम, 1837 टाइम्स कम है, किसके मास से कंपेयर करके, हाइड्रोजन के मास से। तो ये सारी चीजें जो निकल कर आई इससे फिर इलेक्ट्रॉन की डेफिनेशन आई,
ठीक है, कि इलेक्ट्रॉन को हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं, वो सारे चीज मैं यहाँ लिख देता हूँ, तो वो आप यहाँ से नोट कर लेना, क्लियर है। उसके बाद हम उसको डिस्कस कर लेते हैं कि क्या हमने लिखा है। चलिए ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं दोनों नोट्स के पॉइंट। पहला है, द चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज द स्मॉलेस्ट नोन चार्ज एंड इज यूजुअली रिफर्ड एज यूनिट नेगेटिव चार्ज। उसको हम क्या मानते हैं, यूनिट नेगेटिव चार्ज, और सबसे छोटा चार्ज जो है वो नोन है। सेकेंड है, द मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज अप्रोक्सीमेटली 1/1837 टाइम्स द मास ऑफ एन हाइड्रोजन एटम। और फिर हमारे पास डेफिनेशन आ गई इलेक्ट्रॉन की, अ सब एटॉमिक पार्टिकल, एक ऐसा सब एटॉमिक पार्टिकल, एटम के अंदर वाला पार्टिकल, which carries one unit negative charge, इतना, and has a mass of 9.10 × 10⁻³¹ kg, which is equal to the 1/1837 times of that of hydrogen atom. उस पार्टिकल को हम क्या बोल देते हैं, इलेक्ट्रॉन्स। तो यहां पर हमने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी, कैथोड रेस की बात कर ली, क्या है प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेस देख ली, इलेक्ट्रॉन का नाम कैसे आया वो देख लिया, कैसे पता चला इलेक्ट्रॉन क्या होता है वो देख लिया, कैलकुलेशन ऑफ चार्ज एंड मास रेशियो देख लिया, मास कैसे निकला वो देख लिया, चार्ज कैसे हो गया वो देख लिया। अब एक मिलिकन ऑयल ड्रॉप मेथड होगा, तो नेक्स्ट क्लास में हम वो पढ़ेंगे और फिर एनोड रेज वाले एक्सपेरिमेंट पे जाएंगे जहां प्रोटॉन वगैरह की डिस्कवरी करेंगे। क्लियर है चीज? तो इससे रिलेटेड आपको अगर कोई भी डाउट वगैरह रहता है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में डाल दें, ताकि मैं आपके आंसर्स वहां पर आपको दे दूंगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू।